हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 11, पैरामीटर एंड एरिया। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 212। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अ गार्डनर वॉन्ट टू नो द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द वॉल ऑफ ट्राइंगुलर गार्डन विथ ग्रास। इन दिस केस वी नीड टू नो द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन। लेट अस फाइंड मेथड टू गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। Draw a scalene triangle on a piece of paper. Cut out the triangle. Place this triangle on another piece of paper and cut out another triangle of the same size. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. So now you have two scalene triangle of the same size. ये दोनों same size के are both the triangles congruent. Suppose one triangle on the other, so that they match. You may have to rotate one of the two triangles. Now place both the triangles such that a pair of corresponding side is joined as shown in figure 11.14 में. ये two scalene triangle draw किया और उसे join कर दिया. Complete the area of each triangle to the area of the parallelogram. Compare the base and height of the triangles with the base and height of the parallelogram. You will find that the sum of the area of both the triangles is equal to the area of the parallelogram. The base and the height of the triangle are the same as the base and height of the parallelogram respectively. ट्राइंगल और पैराग्राम में हाइट और बेस सेम. एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरालोग्राम. जो पैरालोग्राम है उसका हाफ हो जाता है ट्राइंगल में. सो 1/2, यहाँ भी बेस और हाइट आएंगे, बेस मल्टीप्लाई हाइट. सिंस एरिया ऑफ पैरालोग्राम में भी क्या था, बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बी मल्टीप्लाई एच, इसे शॉर्ट में. In the figure 11.15, देखो, all the triangles are on the base. AB is equal to 6 cm. What can you say about the height of each of the triangles corresponding to the base AB? Can we say all the triangles are equal in area? Can you say all the triangles are equal in area? Yes. Are they triangle congruent also? ये सभी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है. सो नो, वी कंक्लूड दैट ऑल द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल इन एरिया, बट द ट्राइंगल इक्वल इन एरिया नीड टू बी कॉन्ग्रेंट. ऑल द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल इन एरिया, एरिया में इक्वल है, बट द ट्राइंगल इक्वल इन एरिया नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट. Consider the obtuse angle triangle ABC, base 6 cm है, it height AD, which is perpendicular from the vertex A, is outside the triangle. Can you find the area of triangle? क्या इसका तो आप area find out कर सकते हो? चलो हम example देखते हैं ज़्यादा समझने के लिए. One of the side and the corresponding height of parallelogram are 4 cm and 3 cm respectively. इसकी height और base दिया है 4 cm, 3 cm. Find the area of parallelogram. यहाँ पे draw किया हुआ है 11.17 में, 4 cm base है और height है 3 cm. So area of parallelogram b multiply h, base multiply height, is equal to 4 × 3 is equal to 12 cm². उसके बाद फाइंड द एरिया, फाइंड द हाइट x. यहाँ पे देखो 11.18 में हाइट फाइंड आउट करनी है, वो x ली हुई है. ऑफ द पैरालोग्राम इज 24 cm² एंड द बेस इज 4 cm. बेस दिया है, हाइट फाइंड आउट करनी है. एरिया ऑफ पैरालोग्राम इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई h. सो एरिया ऑफ पैरालोग्राम हमारे पास है 24 इज इक्वल टू बेस है 4 मल्टीप्लाई x. 4 है वो x के मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा. सो 24 डिवाइड 4 कितना होगा, 6. तो इसका ही हाइट क्या आ गई, 6. सो द हाइट ऑफ द पैरालोग्राम इज 6. उसके बाद एग्जांपल हाइट है
द टू साइड ऑफ द पैरालोग्राम ए बी सी डी आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर द हाइट करेस्पॉन्डिंग टू द बेस सी डी इज 3 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ पैरालोग्राम एंड द हाइट ऑफ करेस्पॉन्डिंग टू द बेस ए डी. क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ पैरालोग्राम पहले तो, देन द हाइट करेस्पॉन्डिंग टू द बेस ए डी. एस बे डी हो तो उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट एरिया ऑफ पैरालोग्राम बी मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. यहाँ पे बेस है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर. 3 6 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. बेस 4 सेंटीमीटर. अब बेस सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें बेस ए डी लेना है, मतलब 4 सेंटीमीटर. हाइट एक्स है, हाइट एक्स है वो फाइंड आउट करनी है. और एरिया हमने फाइंड आउट कितना कर लिया? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ पैरालोग्राम इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई एक्स या बी मल्टीप्लाई एच करो. सो 18 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एक्स. 4 है वो इज इक्वल टू के एक्स के जो मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड डिवाइड में आ जाएगा. सो 18 डिवाइड 4 इज इक्वल टू एक्स. तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 4.5 सेंटीमीटर. दस द करेस्पॉन्डिंग टू द बेस ए डी इज 4.5 सेंटीमीटर. उसके बाद एग्जाम्पल 9 देखो. फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल 11.20 में. इसका एरिया फाइंड आउट करना है. हमारे पास बेस है कितनी है? फर्स्ट में 4 और हाइट है जो डॉटेड लाइन वाली है वो 2. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच. सो 1/2 × 4/2. यहाँ पे 2 कट कर दो तो कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद यहाँ पे हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर और बेस कितना है? 3 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट. सो 1/2 × 3/2. यहाँ भी 2 कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. है ना इजी? उसके बाद एग्जांपल 10. फाइंड बी सी इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट ए डी. एरिया हमें दिया है और हाइट ए डी दी है 3 सेंटीमीटर. तो फाइंड क्या करना है? बी सी बेस फाइंड आउट करना है. ओके. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 × b/h. एरिया ऑफ ट्राइंगल 36 इज इक्वल टू 1/2 × b/3. हाइट है हमारे पास. अब देखो जो 2 है वो डिवाइड में है तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब 36 के मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा. और 3 है वो मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 36 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 3. सो कितना आता है? 24 सेंटीमीटर. मतलब बी सी कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर. बेस 24 सेंटीमीटर. एग्जाम्पल 11. इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर. क्यू आर है 4 सेंटीमीटर. पी एल 5 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. पी क्यू और आर का एरिया फाइंड आउट करना है एंड क्यू एम भी फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट क्यू आर बेस लेते हैं. क्या लेते हैं? क्यू आर बेस लेते हैं, वो है 4 सेंटीमीटर. एंड पी एल हाइट लेते हैं, वो है 5 सेंटीमीटर. क्यू आर बेस लेते हैं, पी एल हाइट लेते हैं 5 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 b/h. 1/2 × 4/5. यहाँ से 2 से कट होगा या 4 × 5 = 20. डिवाइड 2 करो तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब पी आर इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू 8. अब पी आर बेस लेते हैं और क्यू एम हमें फाइंड आउट करना है और एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 b/h. तो एरिया तो है हमारे पास 10 इज इक्वल टू 1/2. बेस हमारे पास है 8 × 8 × h. अब 2 है ये डिवाइड में है तो 10 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 8 है वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा. अगर ऐसा नहीं करना है तो आप यहाँ कट कर सकते हो 4 × 2. अब 4 मल्टीप्लाई में है तो 10 के डिवाइड में आ जाएगा. सो 10 / 4 इज इक्वल टू 5 / 2 इज इक्वल टू 2.5. तो क्यू एम कितना आ गया? 2.5 सेंटीमीटर.
ओके सो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।